गाइस कैसे हैं आप। आए बहुत दिनों के बाद रूबी ब्लॉग के किचन में। मीना आप सबको अस्सलाम कह रही है। और आज ना सहरी का टाइम है और इरम के लिए सहरी बना रही हूँ। तस्वीर के लिए इरम रोज़ा रखेंगी तो ये पराठे की तैयारी है। पराठा बनाने के लिए चाय भी रेडी हो चुकी है। चाय को हम दूसरे वाले चूल्हे पे रख लेते हैं ताकि ये आराम से बनती रहे। इस टाइम जो है टाइम हो रहा है आप 3:10 हो गए हैं। मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से इनकी जो है तैयारी कर दूँ जाकर आराम से सहरी कर सकें। पराठा निकाल लेती हूँ, तवा ज़रा हो जाए थोड़ा तो हम फिर पराठा निकाल लेंगे। और आप सुनाएं, इस टाइम लाहौर में तो शदीद गर्मी है, कूलर चल रहा है लेकिन फिर भी सब गर्मी महसूस हो रही है। सहरी का टाइम है और इस टाइम भी इनके कोई ठंडक या कोई इस तरह की फीलिंग नहीं है। शदीद गर्मी है, चाय गर्म हो चुकी है और अब बस जैसे ही तवा होता है। आपके शहरों में गैस की प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम भी हो रही है लाहौर में, काफ़ी जगहों पर गैस ही नहीं आ रही है। चाय भी देख लो, आप लोगों ने नज़र में आज में क्या किया है कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। मैंने मेरी बहू बेगम कायनात और मिलकर आज जो है वो दूध की तबीर लगाने का भी सोचा है कि बच्चों में न्यास करेंगे दूध का। उसकी भी हमने सारी तैयारी करके रखी है, जो जो उसका सामान है वो रेडी किया हुआ है। इंशाल्लाह आज वो भी देंगे। और असर के टाइम हमने सोचा है कि हम चिकन पुलाव बनाकर उस पर न्याज देंगे। अल्लाह ताला जो जितना भी कर पा रहा है अल्लाह ताला उस नज़र न्याज को ओहद के पहाड़ की तरह कबूल मंजूर फरमाए और सबकी दी हुई न्याज को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करके कबूल करे। जिसकी जितनी गुंजाइश है और परवरदिगार बीमारों को शिफा अता करे और जो जहाँ से जा चुके हैं उनकी मदद करे। और जितना जिससे जो हो रहा है परवरदिगार उसका कबूल करे और हम सबको हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बच्चों को परवरदिगार नेक सालिया बनाए और परवरदिगार जो मेरे मौसम जितने बच्चे हैं छोटे छोटे उनको नेक सालिया पढ़ा करें। और मेरे जितने बहन भाई हैं जिनमें मेरे बड़े भाई बीमार हैं ना उनको सेहत कामिला और शिफा वाली ज़िंदगी सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। मुझे तकलीफों से दूर रख। मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन, उनसे छोटी बहन, उनसे छोटी बहन और मैं रोजगार हम सबको अपनी इज्जत मान में रखे, आप सबको अपनी इज्जत मान में रखे और दुआओं में याद रखिएगा।
और बस अब मैं ये पराठा भी बना लेती हूँ जल्दी से, और मेरे साथ में जल्दी से पराठे को भी कर लूँ। देखिए मैंने काउंटर को भी साफ कर दिया है ताकि सुबह उठने वालों को प्रॉब्लम ना हो। कायनात सुबह उठ के नाश्ता बनाती है तो सब साफ सुथरा मिलेगा उनको। और गैस जो है जमा वो बस अपने हिसाब से ही आ रही है। हमारा पराठा है ये बन जाएगा इंशाल्लाह। क्रिस्पी और जो है ऑयली पराठा पसंद है, जबकि कायनात ऐसे पराठे बनाती है कि जिसमें ऑयल का नाम और निशान नहीं होता। वो चाहती है कि ऑयल कम से कम लगे और वो अच्छी बात है कि ऑयल जो है वो कम होना चाहिए, वो ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहिए। हक है उस तरह बनाइएगा, इबादत कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। शहीद जो है वो ज़िंदा है, शहीद का कुरान पाक में भी हुक्म है कि वो मरता नहीं, तो इस दिन को बहुत अच्छे से मनाइए, इबादतें करें, कुरान खानी करें और परवरदिगार से ये रोज़ा रख के अपने एक साल के गुनाह माफ़ करवाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।